मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आज झुंझुनू दौरा है, लेकिन इससे पहले जिले के कांग्रेस नेता एक साथ नजर आए। आपको बता दें कि गाड़िया टाउन हॉल में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें न केवल झुंझुनू विधायक ब्रजेश ओला बल्कि नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार और पूर्व विधायक रीटा चौधरी भी शामिल हुई। इस बैठक में खास बात यह रही कि इसमें चुनाव के साथ साथ एकजुटता की बातें भी की गई और माफी, मदद और पुरानी बातें भूलने जैसे शब्दों का ज्यादा उपयोग किया गया, ताकि पूरी कांग्रेस एकजुट हो सके। आपको बताते हैं झुंझुनू से खबर बता रहे हैं, जहां गहलोत पायलट के आने से पहले कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी नेता एक साथ नजर आए। इसमें कांग्रेस की एकजुटता की बात की गई। जिले के सभी नेता एक साथ नजर आए, ये खास बात रही इस बैठक की। झुंझुनू से खबर बता रहे हैं आपको, जहां गहलोत पायलट के आने से पहले एक कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और इसकी सबसे खास बात यह रही कि सभी नेता एक साथ इस बैठक में नजर आए। जिले के सर्वमान्य नेता हैं ब्रजेंद्र भाई साहब, आप लोग, आपका जिले के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आपके वोटर्स भी हैं, आपके समर्थक भी हैं। हम लोग चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि कांग्रेस यहाँ से विजयी होकर निकले, उसमें आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूं और इतना विश्वास दिलाती हूं कि मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विजयी होकर निकलेगी, निश्चित तौर पर भड़क।